भारत के जंगलों में शेर, बाघ और तेंदुआ पाए जाते हैं। साल 1947 में देश में आखिरी बार चीता दिखा था, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा साल 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया। हालांकि अब लंबे समय बाद भारत में शेर, बाघ, तेंदुआ के अलावा चीते भी देखने को मिलेंगे। जंगलों में रहने वाले यह चारों जानवर बेहद शक्तिशाली होते हैं। आज हम आपको बताएंगे शेर, बाघ, तेंदुआ और चीता में क्या अंतर होता है। नंबर वन, चीता। चीता दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है। चीता आमतौर पर 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता, हालांकि इसकी दौड़ने की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। लेकिन चीता ज्यादा दूरी तक नहीं दौड़ सकता है। यह अपने अधिकतम गति में सिर्फ 1 मिनट दौड़ सकता है। 3 सेकंड में चीता 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। नंबर टू, शेर, लायन। जंगल का राजा शेर अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। शेर का शरीर बड़ा और भारी होता है, लेकिन इसके बावजूद जंगल में इसकी दहाड़ और ताकत को सबसे खतरनाक माना जाता है। शेर की लंबाई 10 फीट तक हो सकती है और वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। अफ्रीका और भारत में शेर पाए जाते हैं। शेर में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी बड़े जानवर का शिकार कर सकता है, यहाँ तक कि वह भैंसे को भी मार डालता है। नंबर थ्री, बाघ, टाइगर। बाघ की लंबाई 10 फीट और वजन 300 किलोग्राम होता है। बाघ की दौड़ने की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बाघ का वजन शेर से भी अधिक होता है। भारत, इंडोनेशिया, रूस और भूटान के पहाड़ों पर बाघ पाए जाते हैं। बाघ हिरण और जंगली सुअर समेत कई जानवरों का शिकार करते हैं। कहा जाता है कि बाघ ने पंजा गड़ा दिया है तो उसे छूटना कठिन होता है। नंबर फोर, तेंदुआ, लेपर्ड्स। चीते से ज्यादा ताकतवर तेंदुआ भारत और अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी अधिकतम लंबाई 6.2 फीट ही होती है और यह 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। तेंदुए रात में आमतौर पर शिकार करते हैं, क्योंकि इन पर शेर और बाघ के हमले का डर रहता है। यह किसी भी मध्यम आकार के जानवर को अपना शिकार बना सकता है। यह इंसानों पर भी हमला कर देते हैं।